क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं माहौल, या MH1 लेकर आया आपके लिए कॉलेज। और ये है काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR गाजियाबाद। और यहाँ पर ये क्राउड होए 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 क्राउड को ऐसा कि तैयार है तो परफॉर्मेंसेस के लिए यलगार हो। सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, और भी अगर आप मिमिक्री करना चाहते हैं, और भी आपके अंदर कुछ ऐसे कलाकारियां हैं, गुण हैं, कुछ टैलेंट है, तो टैलेंट के लिए हम यहां पर आपके पास पहुंचे हैं। हम इधर तो कौन आ रहा है सबसे पहले, आगाज कहां से होगा, शुरुआत कहां से होगी? ओए होए 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 क्या बात है। हाय क्या बात है, हैंडसम हंक, जहां से गुजरता हूँ इत्र की खुशबू फैलाता रहता हूँ। मैं ये बात नहीं पूछूंगा कि कौन सा लगाया है, मैं ये पूछूंगा नाम क्या है तुम्हारा? रुपेश त्यागी। त्यागी जी, त्यागी जी यहाँ पर कितने साल हो गए? साल नहीं सर, अभी तो मंथ हुए हैं। अरे कुछ महीनों का ही हूँ मैं, अभी पौधा हूँ, पेड़ बनूंगा यहाँ पर इस कैंपस के अंदर। अच्छा नाम क्या है? त्यागी। और यहाँ पर कुछ महीनों के बाद आज इस मंच में जो मौका मिला है परफॉर्म करने का, वो क्या है? डांसिंग। अच्छा अच्छा, डांसिंग से पहले ये बताओ कि यहाँ पर पढ़ते क्या हो, स्ट्रीम क्या है तुम्हारी? MBA कर रहे हैं सर। MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यस एब्सोल्युटली राइट। चलिए पहले डांस कर लीजिए, उसके बाद फिर MBA के बारे में भी थोड़े सवाल पूछेंगे। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। कैसा डांस करते हैं आप? अब आप देख लीजिएगा सर खुद ही। नचाते भी हैं सर, नाचते ही हैं? नाचते हैं, नचाते हैं दोनों। आए नाचते भी हैं, नचाते भी हैं। आग लगा देंगे, आग। आए आग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो त्यागी जी यहाँ पर जो नाच आपने नाचा है, डांस किया है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसके बाद जो आप बाहर गेट के बाहर जाएंगे MBA करने के बाद, तो उसकी भी तैयारी कसी हुई है थोड़ी सी? बिल्कुल कसी हुई सर। अच्छा तो क्या उसके लिए प्लानिंग क्या चल रही है अभी, क्या करना चाहते हैं आगे, कैसी नौकरी करेंगे? नौकरी करनी नहीं है सर। नौकरी करनी, नौकरी देनी है क्या? अपना एम्पायर खड़ा करना है सर। आए किसी किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि अपने अपने सपने खड़े करो, क्योंकि अगर आप अपने सपने खड़े नहीं करेंगे तो दूसरा कोई अपने सपने खड़े करने के लिए तुम्हें अपने पास रख लेगा। चलो धन्यवाद। थैंक यू। तो इसे कहते हैं तूफानी परफॉर्मेंस, आग वाली परफॉर्मेंस, अंगार वाली परफॉर्मेंस। तो ऐसी परफॉर्मेंसेस के लिए आता है आपके लिए लेकर MH1। और यहाँ पर चल रही है कॉलेज, नेक्स्ट परफॉर्मेंस तैयार है। कौन है नेक्स्ट परफॉर्मेंस? आ जाइए। थोड़ा बैलेंस, नियंत्रण में रहना बहुत जरूरी है, नहीं बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ओके तो वहां से शुरू करेंगे। आपका नाम? आयुषी सिंह। आयुषी सिंह। राधिका गर्ग। राधिका गर्ग। अनिकेत चतुर्वेदी। अनिकेत चतुर्वेदी। यशस्वी बालियान। यशस्वी बालियान। संस्कृति वाजपेयी। संस्कृति वाजपेयी। तो यहाँ पर अपनी टीम के बारे में बताना चाहते हैं, ये ग्रुप क्या करने आया है? ओके सो टीम उदेश इज अ सोशल वेलफेयर सोसाइटी ऑफ टीम काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके सोशल वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं ये? हाँ जी, इट्स अ रजिस्टर्ड NGO। क्या बात है।
और इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज लाइक सम स्कूल, क्या बात है, ब्लड पोर्टल, ओके, नाइट स्कूल इनिशिएटिव, ठीक है, विलेज स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, एंड लाइब्रेरी एडॉप्शन प्रोग्राम, मतलब समाज सेवा, समाज सुधार का काम हो रहा है सारा का सारा हो रहा है। जैसे कि एक इस उम्र में युवाओं ने एक बड़ा बीड़ा अपने कंधों पे उठाया जिम्मेदारी का, और हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे कुछ अच्छे युवाओं के साथ जुड़ के कुछ बड़ा करें। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्लेजर। साइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद। तो यहाँ पर नेक्स्ट परफॉर्मेंस कौन सा है, 1 2 और ये मैं डांस कर रहा था, तुम मुझे देख के डांस नहीं कर सकते थे? सर डांस तो आती नहीं है, कुछ और आती है। अरे वाह, वो तो सबको ही आती है। नाम क्या है आपका? आर्यन जायसवाल। आर्यन जायसवाल, तो यहाँ पर बहुत सीनियर वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्पेक्टेड सुपर सीनियर हैं इस कैंपस के आप। सुपर सीनियर नहीं लेकिन सीनियर जरूर हैं। सुपर सीनियर तो हमारे MBA वाले हैं। या और आप क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रीम है यहाँ पर? बीटेक कर रहे हैं सिविल से। अरे वाह, बीटेक कर रहे हैं सिविल से। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें, अब क्या होने वाली परफॉर्मेंस? पोएट्री करेंगे। लेखक हैं आप? जी लिख लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। तो अभी लिखा हुआ है या फिर चुराया हुआ? लिखा हुआ है। आए क्या बात, अगर किसी और ने भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी यार। तो उनको हम रेफरेंस दे देते हैं। और क्या, हम उनकी तारीफ करते हैं। चलो अभी तैयार हो जाओ, माइक आपके पास है। थैंक यू। 1 2 3 तुम क्या जानो कि कैसे पिलाई जाती है? तुम क्या जानो कि कैसे पिलाई जाती है? पिलाने से पहले बोतल हिलाई जाती है, और फिर उसके बाद यह आवाज लगाई जाती है कि आ जाओ दर्द दिल वालों, यहाँ दर्द की दवा पिलाई जाती है। यह वह मैखाना है, यह वह मैखाना है कि जहाँ आकर सच बोल ही बैठोगे, यहाँ ना मोहब्बत छुपाई जाती है ना बर्बादी छुपाई जाती है। असल में लोग पीते हैं अस्को को अपने, असल में लोग पीते हैं अस्को को अपने, और दिखाने को पैमाने में शराब दिखलाई जाती है, और बेवफा है वो जो खेलती है तेरे जज्बातों से आर्यन, और बेवफा है वो जो खेलती है तेरे जज्बातों से आर्यन। जानता तो हूं मैं भी, पर भुलाने से कहां भुलाई जाती है। भाई ये मैं इसलिए कर रहा, ये मत कर लेना ठीक है, क्योंकि ये करता था एक देवदास। अब देखो देवदास एक हुआ लेकिन किसी को नुकसान हुआ, पारो सेठानी बन गई। पारो का क्या क्या, पारू तो मालकिन बन गई, सेठानी बन गई ऑलरेडी, बिल्कुल 4 बच्चों की माँ बन गई, लेकिन हमारा देवदास पीप आके खत्म हो गया। तो ऐसे में देवदास नहीं बनना है, कभी बनना है आर्यन जैसा, कभी बनना है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया यार, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो तो ऐसे ही परफॉर्मेंसेस के लिए आता है यहाँ पर MH1, ये है कॉलेज, और अगला कौन आने वाला है या कौन आने वाली है यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, मंच आपके लिए तैयार है, कौन है नेक्स्ट परफॉर्मर? यार तुम डराओ मत, तुम तो डरा ही देते हो यार। नहीं नहीं डराना नहीं है, नहीं डराना तो नहीं है, बचाना है, मचाना है। हाँ, बवाल। हाँ, बढ़िया, अच्छे दिखते हो यार। धन्यवाद। बढ़िया, पेट वेट भी अंदर है। नाम क्या है आपका? ऋषभ श्रीवास्तव। ऋषभ श्रीवास्तव जी, तो क्या करते हो इतनी बड़ी अच्छी काया को मेंटेन करने के लिए? काया को मेंटेन करने के लिए माया के पास रहते हैं। माया कौन है, पड़ोसन है? बाहर में नाचने है? वो बाहर मिलने वाली लड़की। अच्छा अच्छा, तो पहला प्यार है या फिर प्यार की लाइन बेशुमार है? लाइन लंबी लगी हुई है लेकिन आगे वो खड़ी है। आगे वो खड़ी है। और बाकियों का क्या होगा? बाकियों के लिए भी है जुगाड़। आए जुगाड़ू तो मैं हूँ। अच्छा, देश में जुगाड़ पहले सोचने पड़ते हैं, बाकी बाकी बातें बाद में देख लेंगे। बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। चांदनी चांद से होगी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से होगी तो हजारों का क्या होगा। चलो ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर? आज मैं मचाने वाला हूँ, बेसिकली मैं KMS क्लब से हूँ। अच्छा। तो हमारा क्लब एक ऑलराउंडर क्लब है। wow. तो मैं बीट बॉक्सिंग भी सुनाऊंगा, रैप भी दिखाऊंगा, nice. और थोड़ी सी मिमिक्री महसूस करवाऊंगा। महसूस करने की बात है सर, और यहाँ पे कॉलेज में पढ़ते क्या हो? मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ IT ब्रांच से, फर्स्ट ईयर जी। मजा आ रहा है? मचा रहे हैं मचा रहे हैं मचा रहे हैं मजा भी आ रहा है मजा भी आ रहा है डिसाइड हो पा रहा है कितना मजा आ रहा है
बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी डिसाइड करूंगा मैं कि कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल करा देंगे, हमारी परफॉर्मेंस के बाद मजा आएगा असली वाला। बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3 केड़े वाले पब्लिक का सबका यूपी 14 क्या हाल है पब्लिक बचा रहे हैं कैसे हाल है सबके बहुत बढ़िया 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 दिस इज आवर 7 ऑन द बीट 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 अभी ढोल बज रहा था तो ढोल सुनाते तो मचा लिया बीट बॉक्सिंग से। अब अपनी सुनाते हैं मेन चीज रैप सुनाते हैं। तो बेसिकली हम सारे स्टूडेंट ही हैं और हम स्टूडेंट को पता है कि पेपर के टाइम पे डिप्रेशन काफी आ जाता है यार, माहौल काफी खराब सा चलता है। सीटी आने वाले हैं यार, हमारे सीटी बजी पड़ी है। तो बात यह है कि एक लड़का था, उसका भी एग्जाम था, डिप्रेशन में आ गया तो सुसाइड जैसी चीज डिसाइड कर ली थी। तो देखते हैं कि उसका हाल कुछ ऐसा था। 1 2 1 2 3 एक दिन था मेरा, एक एग्जाम लेकर गया था माँ पापा का नाम, दिन रात की थी मैंने तैयारी, एक रात कभी ना करा आराम। एग्जाम के बाद जब घर गया, रिजल्ट के चक्कर में डर गया, रिजल्ट में देखा कि फेल हूँ मैं, तो सोचा कि अब तो मैं मर गया। परेशानियों का भार जिंदगी से गया, हर कैसे लूंगा बड़ा घर, कैसे लूंगा बड़ी कार, लगा कि फेल होकर बना बेकार, बेबस बना मैं यारो बना लाचार, घर बाहर का करना था मुझको काम, फेल होने पे खराब हुआ मेरा नाम। फिर एक चीज कर ली थी डिसाइड कि अब कर लेता हूँ सुसाइड, साथ ही रहना है साथ ही जीना है, जिंदगी जीने की है तो जीना, क्या ये डिप्रेशन क्या ये सुसाइड, ढंग के है जरी से ही दीना, तो क्यों है तो उदास जब सब तेरे पास, जिंदगी को जीले खुल के मोटिवेशन एक आस, कैसे वो जिएगी घर बैठी माई जिसका बेटा जिंदगी से कर रहा लड़ाई, पापा किसे देंगे वो संस्कार, किसके साथ खेलेगा वो छोटा भाई, तो अब कर तू फैसला तेरे पास दोहराए, अब कर तू फैसला तेरे पास दोहराए, अब कर तू फैसला तेरे पास दोहराए, या तो मर जा या घर को बचाए। अच्छा जितने भी रैपर हैं इस दुनिया के अंदर, मैं इंस्पायर हुआ, एक मूवी आई थी कौन सी, गली बॉय। गली बॉय क्या बात है, लेकिन उसके पापा उसको रैपर मारते हैं खींच के टकाटक टकाटक। तुम्हारे साथ धंजन आते रैपड़ तो नहीं आते ना, रैपड़ तो नहीं आते, कभी कभी तो होता होगा। आते हैं तो आए थे कब, पिछला कब आया था, दिसंबर में आया था। क्या किया था ऐसी खुराफाती हरकती, रैप्टा कोई बात नहीं, वो रैप्टा ही है जो इंसान बना रहे हैं हमें, नहीं तो हमारे जैसे अगर इंसान नहीं बनेंगे तो दुनिया का क्या होगा। सही बात, वो बेचारी वो जो माया है उसका क्या होगा, बाकी का क्या होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और यहाँ पर MH1 कॉलेज, और यहाँ पर अब अगला परफॉर्मेंस किसका है, और ये दूर से देखा तो लड़कियां थी, पास आके देखा तो बहुत। वैसे लड़कियां नचा देती है बड़ों बड़ों को, मुझे नचा दिया। देखो मैं तो पैदा ही बड़ा हुआ था, मेरे घर वाले मेरे आस पड़ोस रिश्तेदार बोलते हैं बड़ा बच्चा पैदा हुआ है, बोलते कैसे, देखो आंखें कितनी बड़ी बड़ी। आप आपके इस कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही हैं अभी इस कॉलेज कैंटीन में, नाम क्या है आपका? भावना। अरे टच हो गया मैं तो, बाई गॉड दोनों भावना और भावनाएं जुड़ी हुई है हमारी आपके साथ। अच्छा मैं बता दूं, मेरी रियल सिस्टर जो है उसका नाम भी भावना है, तीन भावना, मतलब आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल 3 भावनास इन माय लाइफ, 1 2 ओनली भावनास, बाकी और भी बहुत ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल भावनास। ओके तो यहाँ पर क्या कर रही है इस कैंपस में, क्या स्ट्रीम है? MBA, सेम MBA, दोनों MBA, दोनों सहेलियां हैं? यस यस, सखी सहेलियां, बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों इकट्ठे एक साथ एक क्लास में, एक साथ बैठती भी एक साथ है, खाना भी एक साथ खाती है, एक दूसरे का ही खाते हैं, एक दूसरे का ही खाना खाती है, एक दूसरे का। तो आ जाओ थोड़ा पास आ जाओ, अच्छा नहीं इतना पास नहीं, आ जाओ थोड़ा पास आ जाओ। अच्छा भावना एंड भावना, ये भावना ये कब बिगड़ती है तुम्हारे ऊपर? कभी नहीं। ये भावना सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर? बहुत
अच्छी है, मतलब मेरे जैसा नेचर है, बस मुझे ये बात पसंद है। नाम भी सेम, नेचर भी सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, मार्क्स भी सेम, मार्क्स भी सेम। तो कभी कभी इस भावना के अंदर कुछ बदलाव लाने का मन करता है? नहीं नहीं, जैसे भी अच्छी है। अच्छा, और कुछ पर्सनल चीजें मतलब डिस्कस करना चाहती हो, कुछ इनके बारे में कुछ खुलासा करना चाहती हो? खुलासा खुलासा no, no. करते आज मौका है, बड़ा प्लेटफॉर्म है आज, आज है, कर दे 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 कर दे, ओ देखो कर दे कर दे कर दे। बहुत, इसका कुछ है ही नहीं पर्सनल, तो बताओ क्या भाई साहब। ऐसा है कि खुलासा होने ही वाला था कि वहां से अखियों से ऐसी ढैम 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 गोलियां बजी। चलिए अब यहां पर खुलासे की छोड़ते हैं, परफॉर्मेंस क्या होने वाली है? डांस। डांस तो ये दो लड़कियां नाचेंगी, और जब ये नाचेंगी तो हम भी नाचेंगे। 1 2 परफॉर्मेंस किया, और दोनों लड़कियों ने परफॉर्मेंस के बाद जो तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, क्योंकि सारे वो डांस के ट्रांस है। वो क्या है ना, जब लड़कियां नाचती हैं ना, डांस करती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं, तो उनके ट्रांस से बाहर आने में लड़कों को टाइम लगता है, उनका फ्यूज जो है ना थोड़ा सा अलग ही लेवल पे चला जाता है। भाई लड़कों तालियां मार दो यार, डांस खत्म हो गया। क्योंकि लड़के सोच रहे होते हैं काश काश मुझे मौका मिल जाए इसके साथ डांस करने का एक बार, काश मैं भी एक बार आ जाऊं इस मंच पे कूद जाऊं। भाई नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि लड़कियों के यहाँ पर सभी हितैषी बैठे हैं, लड़के का कोई हितैषी नहीं है। क्योंकि अगर एक बार आप कूद गए और किसी ने गलत समझ लिया, लड़की ने गलत समझ लिया, तो उसके बाद सार्वजनिक बीमारी और पिटाई होने में टाइम लगता है। सही बात है, भावना हो क्या बात है, ये भावना, ये भावना। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ब्राइट फ्यूचर के लिए आपके, लेकिन भूलना मत एक दूसरे को, ठीक है? अच्छा, एक एक आपको मैं सरप्राइज बताने वाला हूँ। एक यहाँ पर सर हैं, यहाँ की फैकल्टी हैं, उनकी परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस मैं यहाँ बताऊंगा नहीं कि क्या परफॉर्मेंस है। अगर वो मेरी आवाज़ कहीं पे सुन रहे हैं, अगर वो सर जी मेरी आवाज़ कहीं पे सुन रहे हैं, तो वो आ सकते हैं। सर जी आ जाइए। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जब एक इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टीज ऐसी हैं जिनके एंटर होती थी तालियां बज रही हैं, ये एक ऐसा टैलेंट है। सर का नाम सबसे पहले दो। अभी तक नाम मेरा प्रतीक गुप्ता है। क्या बात है, गुप्ता जी यहाँ पर आपके आने से जो एनर्जी भरपूर, जो पावर हाउस बना है, ये प्यार मोहब्बत वाली बात है। ये तो नहीं, ये प्यार मोहब्बत वाली बात है, क्योंकि जब ये कॉलेज है और कॉलेज में अगर प्यार मोहब्बत नहीं होगी तो कहाँ होगा। प्यार मोहब्बत होने वाली बात जरूरी है। आप देख रहे हो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है हमारे कॉलेज में, लबालब इतना भरा हुआ है कि अगर ये 43 डिग्री सेल्सियस इस समय है, हाँ, तो ये इस समय सूरज की वजह से नहीं है, ये काइट की गर्मी है। ये तो मैं बता दूं साहब, ये टैलेंट बच्चों में तो है ही है, फैकल्टी में भी बहुत है। बहुत जोर नहीं, मैं तो केवल एक एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि अभी प्यार मोहब्बत की बात आप कर रहे थे, ये प्यार मोहब्बत वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हाँ, मैं चार पंक्तियां बता रहा हूँ प्यार मोहब्बत कैसी है। क्या बात है, कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए, ये वो मोहब्बत है जो दिखाई देती है पर होती नहीं है। कैसी है वो देखो, कि नजरें मिली तो प्रेम गीत याद हो गए, चाहा उन्हें तो यूं लगा आबाद हो गए, पर चंद दिनों में हमको एहसास हो गया, खर्चा कराए इतना के बर्बाद हो गए। बिल्कुल ऐसी प्यार मोहब्बत है। मैं तो चाहता हूँ अंकुश भाई कि मैं तो हूँ, मेरे साथी लोग भी हैं, वो यहाँ पर भी आए, मेरे साथी लोग हैं जो फैकल्टीज लोग हैं, जरा यहाँ पर आए।
करनाल सर। गुरु जतन करे चेला टॉप करे, गुरु ऐसे होंगे तो चेले तो टॉप हम टॉप ही होंगे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है मृणाल वर्मा, मैं एमबीए डिपार्टमेंट का शिक्षक हूँ। और इन बच्चों के एनर्जी को देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि ये टीचिंग फिटर्निटी कभी बूढ़ी क्यों नहीं होती है। हम हमेशा ही जवान होते हैं, इनसे एनर्जी लेते हैं और ये आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है। जवानी जवान है, जवानी जवान रहेगी, इसे कहते हैं जवानी जवान, क्यों ना हो। और वैसे भी कहते हैं ना ये फैकल्टी जैसी हो वैसे स्टूडेंट्स होंगे, तो वो हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं। मैम आपका नाम? डॉक्टर दीपा। डॉक्टर दीपा, यहाँ पे परफॉर्मेंस और कॉलेज कैंटीन है, मैचवन दिल से यहाँ पे टीम पूरी लेकर आया है अपनी, कैसा लग रहा है देखकर? फीलिंग प्राउड। और ये जो सर हैं ये कवि हैं, और ये मुझे इनको देख के लग रहा है कि ये हास्य अभिनेता भी हैं। ये कवि नहीं है, ये हमारे कलीग हैं और ये प्रोफेसर साहब हैं। बताइए सर, मतलब भर भर के शब्द लिख देना तो पन्ने भर जाए, स्याही खाली हो जाए। खैर मैम आपका नाम? डॉक्टर मणि। डॉक्टर मणि, क्या कहना चाहेंगे आपके इस ग्रुप के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए और बच्चों के लिए? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अभी आप देखेंगे हमारे कितने अच्छे अच्छे क्लब्स, हमारे फैशन क्लब्स, हमारे डांस क्लब्स सब अभी आकर के यहाँ परफॉर्मेंस के लिए एकदम तैयार है पीछे। ये गुप्ता जी, आज तो माइक इनको मिला है परफॉर्म करने के लिए, कभी लंच के दौरान भी अपनी शायरी, अपना परफॉर्मेंस, अपने जोक्स आते रहते हैं? बिल्कुल, अनस्टॉपेबल। साथ हम लोग बस में जाते हैं तो सर एवरी टाइम फन क्रिएट करते रहते हैं। क्या बात है सर। सर ये आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके तो साथी हैं बढ़िया। आपको सर के बिना कॉलेज अधूरा है। प्रतीक सर है तो कॉलेज में रौनक है, प्रतीक सर है तो कॉलेज में चहल पहल है, प्रतीक सर है तो कॉलेज है। मैम गुप्ता जी के लिए देखिए बड़े बड़े शब्द रख दिए गए हैं, तो गुप्ता जी का कद ज्यादा ऊंचा है, शब्दों शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं। आप भी कह दीजिए, क्या पता शब्द ऊंचे हो जाएं। He is my idol, even though I am a professor over here, but I, on daily basis, I get inspired from him. I have heard a lots of story before entering in Kite as an assistant professor about him. How grateful he is as a teacher. He inspires us, and one day I promise him, and I want to be a professor like him, and make him proud. Thank you very much, sir. थोड़ा सा तो हिंदी में भी बोल देती यार। देखिए गुप्ता जी, शब्दों की आप जो भावनाएं हैं वो समझिए, वो भावनाएं ऐसी निकल के आई हैं, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है भारी हो जाएगा रात को। नहीं नहीं, बहुत भारी होने वाला है, मुझे लग रहा है बच्चों को भी नींद नहीं आएगी और इन बच्चों की एनर्जी देख के हम टीचर को भी नींद नहीं आने वाली है। तो ये है कॉलेज कैंटीन, ये है माहौल जहाँ पे फैकल्टी भी और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी, तो यहाँ पर जी हाँ, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली NCR गाजियाबाद, अब भारी है कॉलेज कैंटीन में स्टूडेंट्स की। थैंक यू सो मच अपने फैकल्टीज के लिए, तालियां। चलिए नेक्स्ट परफॉर्मर, अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी है, क्योंकि यहाँ पर अब माहौल बन चुका है, एनर्जी आ चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, तो यहाँ पर परफॉर्मर आता हुआ 1, 2 and 3। हेलो बोलो। हेलो। हाय, जरूरी नहीं है कि मैं ही हेलो बोलूं, तुम भी आगे हेलो बोल सकते हो। बोल तो रहा हूँ। क्या बात है। हेलो, नाम क्या है आपका? अभिषेक पांडे। पांडे जी, पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बस्ती जिला का रहने वाला हूँ, गोरखपुर। गोरखपुर के जी। तो पांडे जी यहाँ पर कब से हैं? मैं तो 4 साल हो गए, 2018 से हूँ। अच्छा अच्छा, तो 4 साल यहीं पर, अब तो अपना घर जैसे लगता जी। सब कुछ घर ही है, सब अपने परिवार वाले जी, हैं, सब पूरा घर ही है सर। और फैकल्टीज बहुत अच्छी है जी सर, सब पेरेंट्स परेशान, पेरेंट्स सब पेरेंट्स, सब पेरेंट्स। अरे वाह वाह वाह। तो पांडे जी यहाँ पर स्ट्रीम कौन सी है? मेरी तो सिविल इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग, सुई से लेके हवाई जहाज जी सब बना, नेल पॉलिश से लेके सब बना देंगे, सब बना देंगे भाई साहब, A to Z। ए टू जेड बनाया क्या अभी तक? कुछ अभी तक तो कुछ नहीं बनाया है। बनाओगे बनाओगे, मैं इतना जानता हूँ कि तुम बनाओगे, बड़ा बड़ा करके बनाओगे। और अभी क्या करना है यहाँ पर? अभी तो सिंगिंग का है। गाना गाते हैं जी? जरूर। ओके, कौन सा गाना गाएंगे? फिर मोहब्बत। फिर मोहब्बत जी। चलो, वो मर्द का काम तो वैसे ही प्यार करना है, प्यार बांटना है। हाँ, तो मोहब्बत तो फिर करेंगे जी। जरूर। क्या बात है। 1, 2, 3। जब जब तेरे पास मैं एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, ओ जब सहमे तन्हापन से
तुझे याद किया दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू फिर मोहब्बत करने चला है तू वाह 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 थैंक यू मैं देख रहा हूँ कि इतना बढ़िया गाना गाया मेरे पास है तुम रखो तुम रखो मैं देख रहा इतना बढ़िया गाना गाया इंद्र भगवान अपना सिंहासन नहीं हिला रहे बादल आ जाते तो मजा आ जाता नहीं कोई बात नहीं मगर तुम्हारे सुर हैं काल है तो जिस राह से मैं गुजरा वो राह जो होती है ना गुजर गुजर के हम लड़कों की ना जूतियां घिस जाती हैं जी और कभी सार्वजनिक पिटाई हुई क्या अगर राह में किसी ने पकड़ लिया और देर धड़ा देर देर धार 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 नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ ये बड़ा शाना आशिक है चुप चुप के जाते हैं आधी रात को चौकीदार पटा रखा है इसने वहां का कॉन्फिडेंस है ना इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस का बाप है इसके अंदर चलो ठीक है थैंक यू सो मच ऐसे बढ़िया बड़े बड़े सिंगर बनो यहाँ पर क्योंकि ये है मैच वन लेकर आए आपके लिए कॉलेज अब यहाँ पर नेक्स्ट परफॉर्मेंस कौन है लड़की है लड़का है दूर से देखा तो लड़का लग रहा था हेलो सर आए कैसे सर बहुत बढ़िया ये अच्छा लगा मुझे मतलब बिना बोले ही तुमने हेलो बोल दिया बोल के हेलो बुलवाई तो क्या हेलो बुलवाई यार यस सर और बताइए सर कैसे हैं सर आप बढ़िया बढ़िया ये दाढ़ी वाड़ी बढ़िया यार किसी ने बोला रखने के लिए या मतलब अपनी मर्जी है सर स्मार्ट दिखता हूँ सर आए अच्छा लगता है सर वो कहते हैं जिरी दाढ़ी मोछ नहीं होता कुछ नहीं हाँ सही बोल रहे सर सही बोला है सर हाँ तो जब बिल्कुल शेव कर लेते हो तो मम्मी पहचान लेती है नहीं पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कहते कौन आ गया छोटा बच्चा सा लगता हूँ अच्छा तो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में कितना टाइम हो गया इस इंस्टीट्यूट में मुझे 3 साल हो चुके हैं तीन साल हो चुके हैं इस इंस्टीट्यूट में हमें फर्स्ट ईयर सिविल में मैंने एडमिशन लिया था आज थर्ड ईयर सिविल में आ गया हूँ अच्छा। और आप सबके समक्ष एक छोटी सी पोएट्री लेकिन उससे पहले छोटा सा समय लेना चाहूंगा पूरा नाम क्या बताया मेरा नाम है आयुष गौतम जी सर अंकुश हूँ मैं अरे आयुष हूँ मैं अंकुश नहीं लग सकता तुम पर नहीं मेरा नाम ही आयुष है तो अंकुश नहीं लगेगा कभी भी नहीं लगा सकता कोई अच्छा अब क्या करने वाले हैं मैं यहाँ पे एक छोटी सी पोएट्री का सेक्शन बनाया चलिए 1 2 ठीक है थैंक यू सर ना होती उनसे बातें हैं और ना ही मुलाकातें हैं करते हुए इंतजार ना जाने मैंने बिताई कितनी रातें हैं अब तो साथ बिताए वो लम्हे ही याद आते हैं ना होती उनसे बातें हैं और ना ही मुलाकातें हैं थैंक यू सर बहुत बढ़िया वैसे किसके लिए लिखी है ये सर फर्स्ट ईयर में आया था सर प्यार हुआ था सर फिर धोखा मिल गया सर ओ सर उस प्यार से बाहर आने में कितने दिन लगे एक साल एक दिन आए ये है ये आज का युवा है युवा ये प्यार हुआ प्यार में धोखा हुआ प्यार वाली चलेगी भाई अगले दिन ही मूव ऑन कर गया सर, और उसके बाद क्या हुआ फिर कुछ नहीं सर उसके आगे फिर और बने और रिश्ते बने और अच्छे अच्छे लोग अच्छा, जैसे मिले तो जिंदगी भर यही करते रहोगे क्या नहीं सर बिल्डिंगें बनाएंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे इमारतें बनाओगे यस सर ऊंची बहुत ऊंची एक गरीबों के लिए बुर्ज खलीफा बनाना यहाँ पे दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद पक्का बनाएंगे सर पक्का बनाएंगे बैठेंगे वहाँ पे तुम्हारी कभी छत पे बैठेंगे सर छत पे बैठेंगे हाँ चलो ठीक है थैंक यू सर थैंक यू ऑडियंस बाय बहुत भारी था भाई ये हाँ मैच वन ये चल रहे कॉलेज और यहाँ पर गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का टैलेंट तो आपने देख ही लिया होगा टैलेंट की कमी नहीं है देखिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और प्लेटफॉर्म MH1 जब पहुंचता है आपको मंच मिलता है उस मंच में ये आपके सामने ये सितारे ये उभरते सितारे हैं कल को कोई कहाँ कोई कहाँ यहाँ वहाँ ये जैसे बिल्डिंगे बनाएगा कोई बॉलीवुड में जाएगा कोई गाने गाएगा कोई शायरी लिखेगा मतलब ऐसे ऐसे लेखक तैयार होंगे तो वो यहीं पे ही है अभी ये आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे याद आएंगे ये पल चलिए और कौन है नेक्स्ट परफॉर्मेंस वन अगला परफॉर्मेंस आ गई देखो 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 वो आ रही है देखो ये भी आ गया मैं तो आगे कर रहा था तुम भी आ गए अरे मैं भी आना ही था ना मेरे को आए मैं तो साथ में चलूंगा अंग रक्षक बन के बिल्कुल बॉडी तो तगड़ी है जिम मारते हो बिल्कुल कितना मारते हो जितना मैं उठा लूँ उतना मारता हूँ कितना उठाते हो 35 किलो बेंच प्रेस बेंच पे प्रेस करते हो यस सर और खड़े होके मैं शोल्डर प्रेस मारता हूँ वेरी नाइस
तो हफ्ते में 7 दिन 31-30 दिन महीने के 6 दिन तो कोशिश करता हूँ, चला जाओ। और खाते पीते दूध वूध बिल्कुल बिल्कुल रोज, दूध लस्सी दही छाछ प्रोटीन शेक एवरीथिंग। यस सर। फैट वैट तो नहीं? नहीं सर। जंक फूड नहीं? जंक फूड कॉलेज में थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बाकी देसी बनाया अपना। अभी तो भाई 43 का तावड़ा झेल रहा है लड़का, बहुत बढ़िया। और लड़कियां तो बहुत ज्यादा हैं यहाँ पर, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है इंस्पिरेशन लड़कियों से मिल रही है। आपका नाम क्या है? सक्षम साहू। सक्षम, आपका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या। शालिनी। शालिनी। शालिनी क्या करती है शालिनी आप? मैं ऐसे सिविल इंजीनियरिंग कर रही हूँ और अभी हम स्पार्क क्रिएशंस की तरफ से हमारा फैशन क्लब है काइट में। अरे वाह वाह वाह, फैशन। सौम्या शालिनी दोनों एक बैच में, वो भी भाई भी एक बैच में? नहीं नहीं, मैं फोर्थ ईयर हूँ और ये लोग थर्ड ईयर के हैं। अच्छा, वो ये एक साल का अंतर, मतलब ये कैसे ट्यूनिंग बैठी है? सर हमारे क्लब में सारी ईयर के बच्चे हैं, सारे ब्रांचेस के बच्चे हैं और हम सब मिलके फैशन वॉक करते हैं। तो आने वाले टाइम में मतलब इटली में वो जो फैशन वॉक ऐसे 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 होती है, तो उसके लिए कुछ कैट वॉक के लिए कुछ तैयार कर रहे हैं ऐसा कुछ सामान सामग्री? जी जी, अभी आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे फैशन वॉक करके। उसके पहले मैं जरा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। जी हाँ। हमारा क्लब फैशन क्लब, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है कि फैशन सिर्फ सेलिब्रिटीज के नहीं है, नहीं है, फैशन इज फॉर एवरीबॉडी एंड एवरीबॉडी इज फैशनेबल। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। फैशन आपका है और आपको फैशन देना है और ऐसा फैशन देना है कि वर्ल्ड फेमस हो जाना है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट से। तो अब यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस के लिए तैयार है, हम सारे देख रहे हैं आपको। ये जो रैंप वॉक हो रहा था, मेरे मन में ख्याल आया कि खैर अभी तो आपने अपने अपने फेवरेट जो फुटवियर पहने हैं, लेकिन रैंप पे जब लड़कियां चलती हैं हील, पेंसिल हील, पतली पतली तीखी तीखी हील, कैसे चल लेती हैं लड़कियां वैसे? यार लड़कियों में ये टैलेंट होता ही है, जन्म सिद्ध टैलेंट। यस, जीता भी है हमने कई जगह अभी। अच्छा, तो पाँव में लचक नहीं आती चलते हुए? वो तो हमारी हैबिट बन जाती है ना, पाँव में लचक कैसी भी आए दिखने अच्छे चाहिए। वाह 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 वाह, भाई तुम चलोगे भी हील पहन के? मैं हील पहन कैसे चलूंगा सर? नहीं मैं वही मैं साबित करना चाहता था कि जो ये काम टैलेंट सिर्फ लड़कियों में है। हाँ, अगर लड़का चले नहीं कर सकते है। पुरुष हाँ, सिर्फ जिसका काम उसी को साजे, नहीं तो ढोली तारो ढोल बाजे ढोल, ऐसे ऐसे लचक आ जाए। दोबारा बोले, फैशन के ऊपर कम्फर्ट चूज करते हैं हम। अरे वाह, बहुत मतलब ये हील है, हील बड़ों बड़ों को फील दे दे, हथनी की चाल को भी बिल्कुल हिरनी की चाल बना देती है, मतलब हील के अंदर ही एक ऐसा एक चमत्कारी। हील को हम लोग कंफर्टेबल बना लेते हैं कि अब हमारी हैबिट बन गई हील में चलना। क्या बात है, यस यस, मतलब हील को नीचे रखे, ऊंचाइयों को नीचे रखे और ऊंचा पहुंच जाए आप। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन में अब अगला तैयार कौन है, कौन सी परफॉर्मेंस? आए लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली तेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। कौन सा वाला लाल, टमाटर वाला लाल या फिर दूसरा वाला लाल? प्यार वाला लाल। ज्यादा प्यार मत करना, सांड भी घूम रहे हैं बाहर। पता लगे वहां पीछे पड़ गया सांड, एक आया सावन झूम के और तुम बोलो सावन को आने दो। लेकिन तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है छुपने छुपाने का? हाँ बिल्कुल है, थोड़ा इधर। हम छुपते नहीं है, हम खुल के बाहर आते हैं क्योंकि हम कवि हैं। वाह 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 वाह, पन्ने पे तुम्हारे खुद के मोती हैं या फिर नीचे से उठा के किसी के लेके आए? सबके पढ़ते हैं फिर उनसे खुद के पिरोते हैं। क्या बात है, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सानिध्य शर्मा है। सानिध्य शर्मा, और मैं काइट काव्यांजलि की तरफ से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कि छोटा और असहज समझकर, छोटा और असहज समझकर ये धरती तुझे दबावे है, छोटा और असहज समझकर ये धरती तुझे दबावे है, पर तू वो बीज बन जो धरा चीर खिल जावे है, जो धरा चीर खिल जावे है। धन्यवाद। बहुत बात, वजन में तो हल्के फुल्के, बातें बहुत भारी भारी करते हो भाई। अरे बातें भारी होंगी कवि जो ठहरे, बातें भारी बातों में एक वजन चाहिए, तुम्हारी बातों में वजन है, वो कहते हैं ना कि वजन है इसकी बातों में। क्या बनना चाहते हो? बनना तो कवि ही चाहते हैं। अच्छा। लेकिन उसके जितने जितने सब में मैं यहाँ पे शब्द लड़खड़ा के फ्यूचर का पूछा तो कवि साहब, फ्यूचर की किसे परवाह है, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है, बड़े बड़े संतों महात्माओं ने बोला कि तू आज की चिंता कर, कल की चिंता कल खुद कर लेगा, तो ये भी कल की कल पे छोड़ता है, आज की चिंता है। आज इसने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, चलो बहुत बढ़िया,
गले मिले एक बार, चल इतनी जोर से नहीं भाई, शुक्र है मेरे को इतनी जोर से पकड़ा है, अपनी उसका गर्लफ्रेंड को इतनी जोर से पकड़ेगा दम निकल जाना बेचारी का उसको प्यार से। हाँ ओके, तो यहाँ पर अब अगला परफॉर्मेंस, अगर हम बात करें गिटार की खुशबू आ रही है, नाम क्या है? मेरा पुलकित श्रीवास्तव। कुलदीप श्रीवास्तव? पुलकित, पुलकित श्रीवास्तव। सत्यम खरे। तुम सिंगर हो? हाँ मैं सिंगर हूँ। और तुम गिटारिस्ट हो? मैं सिंगर गिटारिस्ट दोनों ही हूँ। वाह क्या बात, हरपन बोला, मतलब मल्टीटास्किंग जमाना है, सब कुछ करना पड़ता है, गिटार एक है नहीं तो एक गिटार भी बजा रहा होता है ना, तुम भी बजा लेते हो ना? थोड़ा बहुत, आई नो, सब पता लग जाता है मुझे देख के ही। चलिए तैयार है? हाँ जी बिल्कुल तैयार है। बाकी क्या करते हो क्या नहीं करते हो सब बाद में, पहले परफॉर्मेंस ठीक है? बिल्कुल। चलो 1 2 3 ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ किसी कम दी नहीं है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ किसी कम दी नहीं है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, ओ वी सी समा ए वी ए समा, समय ते चल जोर ना, ओ ये बियर अंबरा दी जाम, तेरे नाल होर कोई ना, ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, ओ शराबी यार मोड़ दो, ओ मैनू चढ़ दी ना बिना मेरे यार, ओ शराबी यार मोड़ दो, आ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो, आ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, यारी तेरी यारी चल माना इस बारी, सारी मेरी फिक्रें तेरे आगे आके हारी, खूब है लगी मुझको तेरी बीमारी, इस बेढंगी दुनिया के संगी हम न होते यारा, अपनी तो यारी अतरंगी, अरे घर बेढंगी शाम उड़दंगी मस्त मोलंगी यारा, अपनी तो यारी अतरंगी, अरे सिंगल लड़के हैं ना उनके हिस्से की लड़कियां यही लेके जाएंगे डेट पे, बता रहा हूं मैं, क्योंकि गिटारिस्ट और सिंगर है ना ये सबसे बड़ी भीड़ लेके चलते हैं लड़कियों की, फैंस की, कॉलेज में भी सबसे भीड़ यही लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये है मैच वन, ये है कॉलेज, ये काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यहां पे दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के अंदर, नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी। आए लाली तेरे लाल की जित देखूं तितला लिए, वैसे मैं थोड़ी देर पहले मारता नया लेके आता हूं, थोड़ी देर में मैं अपने अंदर क्रिएटिविटी ढूंढता हूं, तब तक आपका नाम? दिव्या कपूर। दिव्या कपूर? यस सर। तो मिस कपूर यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, लगती भी है आप? फर्स्ट ईयर नहीं, फोर्थ ईयर हूँ। बिल्कुल नहीं लगती हैं आप, बिल्कुल नहीं लगती हैं आप, ऐसे कैसे हो गया? ऐसे हो गया, मैं बताऊंगी ऐसे कैसे हो गया। कब बताएंगे आप? अभी अभी। चलिए आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, ये कैसे हो गया? आपका पूरा नाम क्या है? दिव्या कपूर। दिव्या कपूर। तो मिस कपूर यहाँ से अब परफॉर्मेंस की बात है, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिला है, गायक हैं,
गायिका है, मैं कवियत्री हूं। कवियत्री हैं आप, पोएट्रेस? यस सर। क्या लिखती हैं, किस पे लिखती हैं, मुद्दे क्या रहते हैं? मेरे मुद्दे अलग अलग रहते हैं सर। आज जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि इतने सारे कॉलेजेस में आपने काइट को ही क्यों चुना, आप काइट में ही क्यों आए, मैं आपको ये बताऊंगी आज। चलिए फिर माइक आपका, माइक को माइक इज ऑल योर, स्टेज का आपके पास पूरा पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म। काइट से ही बंधी सभी काइटियंस की डोर है, काइट से ही बंधी सभी काइटियंस की डोर है, पढ़ाई लिखाई नौकरी हर चीज में काइट का ही जोर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में यही शोर है कि AKTU के सभी कॉलेजेस में काइट की तो बात ही कुछ और है, AKTU काइट की तो बात ही कुछ और है। धन्यवाद। क्या कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सही बात है, मतलब बिल्कुल साक्षात दिखाई देगी आज तो इतना बड़ा धमाका। तो अभी सोच लिया कि क्या कारण था, वो बाद में बताएंगी। चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इस मंच में प्लेटफॉर्म पे MH मंदिर से कॉलेज कैंटीन के अंदर ये है आपके लिए गाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और अगला परफॉर्मेंस कौन सा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, दे रही है क्या बात है, आजा भाई आजा। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन कुमार। सचिन, यस। क्या करते हो यहाँ पर? B.Tech फाइनल ईयर। क्या बात है, फाइनल ईयर। यस सर। और जो खुशबू मार रहे हैं ये, मतलब इधर जाते हैं इतर ही इतर, नाक के बाल ना जल जाए इतना इतर। यस यस। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ईयर है और मजा आया जीवन में यहाँ पर जब आया एडमिशन लेने, उसके बाद जो सोचा वो पूरा हुआ? एडमिशन लेने आए थे तो कुछ और ही ख्वाब थे। अच्छा, ख्वाब कुछ और थे? कुछ और थे। उसके बाद जब 4 साल बीते तो धीरे धीरे कुछ और ही एक्सपीरियंस रहा। अच्छा। काफी उतार चढ़ाव भी आए जिंदगी में, मगर अच्छे से कट गए 4 साल। कोई बात नहीं, अप डाउन चलता रहता है भाई, प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है परिवर्तन। तो यहाँ पे परिवर्तन अब क्या होने वाला है, परफॉर्मेंस की बात करें हम। सचिन सर, बेसिकली मैं एक पॉइट हूँ, काफी मंचों पर परफॉर्मेंस दिया है, तो आज छोटी सी कविता लेके यहाँ पे भी प्रस्तुत हुआ। मैच वन दिल से भी एक बहुत बड़ा मंच आपको मिल रहा है, तैयार है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अश्क मेरी याद में बहा जाते तो क्या हो जाता, तो अश्क मेरी याद में बहा जाते तो क्या हो जाता, चंद कलिया लाश पर बिछा जाते तो क्या हो जाता। और आए हो मेरी मैयत पर नकाब ओढ़ कर तुम, आए हो मेरी मैयत पर नकाब ओढ़ कर तुम, ये चांद सा मुखड़ा दिखा जाते तो क्या हो जाता, ये चांद सा मुखड़ा दिखा जाते तो क्या हो जाता। और बीटेक की 4 साल की जिंदगी को 4 पंक्तियों में समेटना चाहूँगा कि 2 पल की है ये जिंदगी, तुम हंसते मुस्कुराते रहो, 2 पल की है ये जिंदगी, तुम हंसते मुस्कुराते रहो, जीवन के सफर में एक दूसरे से हाथ मिलाते चलो, और ताजमहल बनवाना तो तुम्हारे बस की नहीं है, ताजमहल बनवाना तो तुम्हारे बस की नहीं है, हर सेमेस्टर एक एक मुमताज बनाते चलो। बहुत बढ़िया सचिन, तो बहुत बढ़िया, कदम ना रुके। और देखिए तो सचिन भाई तो चला गया ये बोल के कि भाई मुमताज बनाते चलो, यहाँ से एक बात तो साबित होगी कि मर्द का काम है प्यार बांटना। लेकिन देखिए सकारात्मक रह के आपको प्यार बांटना है, नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी नेक्स्ट परफॉर्मेंस, एनर्जी से भरपूर, 1 2 3 4 हम है तैयार। नाम क्या है? विशाल। वंदना। भव्य। वी। भव्य, वंदना एंड विशाल। ओके, तीनों सेम बैच? नहीं, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर। तो एक क्लब है कोई अपना यहाँ पर? हाँ जी, फीनिक्स डांस ग्रुप। तो आरटीजी, कम ऑन, लेट्स डांस, 1 2 3। हाँ जी बिल्कुल, यार बिल्कुल सर। टीम कौन सी है ये बाद में बात करेंगे, पहले डांस हो जाए। ठीक।
मतलब हवा के झोंकों जैसी परफॉर्मेंस थी, ऐसे आए झोंके की तरह लहराए और वापस चले गए। यानी कि अंकुश के साथ थोड़ी बात भी कर ले यार कि कौन सी स्ट्रीम में थे और क्या चल रहा है। चलो फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। आ जाइए अरे अरे अरे, और कौन है बाकी परफॉर्मर, कौन है? सारे सारे एक ही जो ये ड्रेस कोड है पहना हुआ इन्होंने, ये सारे एक ही क्लब के हैं, फिनिक्स डांस ग्रुप क्लब। लड़की ने बहुत अच्छा डांस किया, लड़के ने बहुत अच्छा डांस किया, वो जो था और एक और लड़का और था इसने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत बढ़िया, बहुत लहराते हुए बहुत बढ़िया किया आपने। कैसे लहराए थे एक बार लहराते, फिर चले जाइएगा यहाँ से, लहराते लहराते जाइए। कैसे कहते बात तो कर ली है तो बता दे कौन से डिपार्टमेंट के। अरे वाह, थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट कौन सा था? आई टी। भगवान करे आप ऐसी ऊंचाइयाँ और बुलंदियाँ छुए आई टी की। सारे माइक्रोसॉफ्ट इनको जितने भी हैं सब आपको ही रख लें, हायर कर लें यहाँ पे कैंपस से। उम्मीद तो यही है। चले लहराते हुए जाके दिखाइए, मैं भी लहराऊंगा। कैसे कहते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। आप लीड करिए, हम आपके पीछे चलेंगे। अरे मैं तो कॉपी करूंगा ना, मैं भी लहराऊंगा, कॉपी करूंगा। अभी वैसे आप बोले तो हम भांगड़ा भी दिखा सकते हैं। चलो फिर 1 2 भांगड़ा भी है सेम ग्रुप। नाम क्या है आपका? सार्थक। सार्थक। वंश। वंश। विपुल। विपुल। तो ये भंगड़ा प्रैक्टिस कितने दिनों से हो रही है? चलती रहती है सर जब। नहीं बिल्कुल बीट पे थे यार, बिल्कुल जैसे एक भंगड़ा होना चाहिए, बीट के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ, टाइमिंग के साथ, और जंप जो उछल जो कूद और जो फ्लो, वो जैसे रेगुलर प्रैक्टिस होते हैं तो इनमें करते रहते हैं। तो पंजाबी है क्या? पंजाबी सारे पंजाबी नहीं है, लेकिन हम सारे नॉन पंजाबी हैं, बस भांगड़ा दिल में है। क्या बात है, बीट होनी चाहिए। देखिए बीट हैज नो लैंग्वेज, बीट हैज नो रिलीजन, तो यही बीट के लिए हम यहाँ पर आए हैं आपके लिए। MH1 कॉलेज आए आपके इंस्टीट्यूट पे जी, यहाँ पर इस काइट इंस्टीट्यूट ऑफ काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली NCR गाजियाबाद। और ये MH1 की टीम यहाँ पर कॉलेज कैंटीन लेकर आई, बहुत बढ़िया, धुआंधार, जिंदाबाद, जोरदार परफॉर्मेंस। ऐसी जोरदार परफॉर्मेंसेज आपके अब करियर में भी रहे, आपके इस करियर से, इस जो आपके इस परफॉर्मेंसेज के अलावा जो आप आपके इस टीम में जो मेहनत कर रहे हैं, वो भगवान आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट दे यार। मेहनत कहते कभी किसी की वेस्ट जाती नहीं, ब्राइट फ्यूचर है, बुलंदियाँ छुए, आगे जाइए, कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, फैकल्टी का नाम, पेरेंट्स का नाम, और हाँ मेरा नाम भी तो कहीं ना कहीं लोगे ना, अंकुश हूँ मैं। और अंकुश नहीं लग सकता कलाकारों पर, मंच पर MH1 लेकर आता रहेगा आपके लिए ऐसा ही मंच, आपके लिए प्लेटफॉर्म, कॉलेज में जाके इंस्टीट्यूट में जाके, कॉलेज में इंस्टीट्यूट में जाके आपके लिए जल्दी लौटेंगे, दोबारा लौटेंगे, नए शहर नए इंस्टीट्यूट आपके लिए। यहाँ पर मैं डॉक्टर कर्नल एक गर्ग जो कि डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, मेरे साथ हैं। हाय सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे मुलाकात करने का ये समय था, बेहतर समय। सर कैसे बेहतर बना रहे हैं यहाँ पे काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है विच इज़ ए हिडन ज्वेल इन द एंटायर एकेडमिक फ्रेटर्निटी। हमारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, एंड दे हैव गॉट ए फायर इन देयर बेली, दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। वी टेक केयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम लोग बच्चों से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, खासकर बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड स्नूकर फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स, देन रिसेंटली वी एस्टेब्लिश द शूटिंग रेंज इन द कॉलेज जी, एंड स्टेट ऑफ द आर्ट लाइव कैंटीन फैसिलिटीज, एंड यू नो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की क्लब एक्टिविटीज हैं जी, उन क्लब के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा फोकस है। हमारे पास दिल्ली NCR की सबसे बड़ी ट्रेनिंग की टीम है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स के लिए काम करती है, बच्चे को किस तरीके से इंटरव्यू में वो बैठे हैं उसकी तैयारी करें। उससे भी कमाल की बात क्या है कि डॉक्टर कर्नल ए गर्ग हैज बीन रिटायर्ड एज अ कर्नल, और आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स, यहाँ पर कैसे आपको अपने जीवन में वो सुधार लेके आना है और कैसे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो आपने मेंटेन करके बच्चों को दिखाया है, और आगे उनके वो प्रिंसिपल्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहेंगे, और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए सर? सो द मैसेज टू माई स्टूडेंट्स इज दैट इंस्टेड ऑफ बींग द जॉब सीकर, आप जॉब देने वाले बनो।
जॉब गिवर बनो. आवर मोटो इज टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ इन काइट एंड फॉर विच एकेडमिक वी ऑलरेडी नो दैट काइट इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन. मैं 11वीं 12वीं में पढ़ता हूँ या मैं किसी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो मैं समय के साथ जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करें, उसी में सफलता निहित है. ये मेरा मैसेज आप सभी को है जो लोग देख रहे हैं.